दोस्तों, खबर टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अंततः कर्नाटक विधानसभा और कर्नाटक राज्य का मुख्यमंत्री तय हो गया। बड़ी मुश्किलों के बाद, बहुत सारे दाव पेच, बहुत मान मनोवल के बाद आखिरकार सिद्धारमैया वहां के मुख्यमंत्री बने और डिप्टी बने डी के शिव कुमार इस रेस में कहीं सबसे आगे थे। उनके भाई सुरेश कई दिनों से दिल्ली में बैठे थे और इसकी चर्चा खूब हुई कि शायद डी के शिव कुमार ही वहाँ के मुख्यमंत्री बने। लेकिन आला कमान ने देखा कि सिद्धारमैया का पूर्व एक्सपीरियंस और वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 5 साल का वहाँ कार्यकाल पूरा किया था। अब 2024 के मद्देनज़र इस लड़ाई से निजात पाना ही कांग्रेस के लिए ज़रूरी थी, इसलिए उन्होंने दोनों को नाराज ना करते हुए जब ऐलान किया तो इस बात का ख्याल रखा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिर्फ एक हो। इस बात का उन्होंने जोर से जोर देकर ऐलान किया। इसका मतलब है कि सिद्धारमैया के साथ डी के शिव कुमार भी वहाँ पूरी तरह से पावर में होंगे और उनके जो चाहने वाले विधायक हैं उनको भी अच्छी जगह मिलेगी। दूसरी खबर जो